हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कंटिन्यूटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों को हम विद इन अ वन मिनट में सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आप इनको ध्यान से करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो एक क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी का एयरफोर्स ग्रुप एक्स में और एनडीए में जो भी क्वेश्चन आता है आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं ऑलरेडी एनडीए और एयरफोर्स से पूछा जा चुका है, ये एनडीए पूछा जा चुका है और ये एयरफोर्स से पूछा जा चुका है, तो इनको ध्यान से देखिएगा ताकि आप इसको मिस ना कर सके एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको क्या बोला हुआ है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है कि हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं उसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो चलिए पुट करते हैं। जब आप पहले वाले में पुट करते हैं तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है 0/0। तो हमें यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। यहां पे जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये k sec स्क्वायर x हो जाता है डिवाइडेड बाय 1। अब जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 होता है, यहाँ पर जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये k दे देगा। अब वैसे ही हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 2k square। तो कुछ नहीं करना है, 2k square इज इक्वल टू k कर देना है यहाँ से, और यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी कट करने के बाद 1/2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने कर दिया विद इन वन मिनट के अंदर। और गाइस ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पहले एनडीए में पूछा जा चुका है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप इस वाले क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाला हूं यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको फिर से बोला है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम वही चीज करने वाले हैं। पहले वाले जो ये जो इसका पार्ट है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोगों को पहले यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos 3x डिवाइडेड बाई 2e की पावर 2x, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये देगा आपको 3/2, और नीचे में क्या है k-2। जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो k-2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका k-2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2 सॉल्व करने के बाद। तो ये भी आपका हो गया विद इन वन मिनट। इसी तरीके से गाइज ये थर्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले एक बार आप इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब गाइस जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों से ट्रिकी है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये फिर से जब आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या बोला है f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बार बार आपको ये चीज मिलेगी, कभी x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है आपको, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपको स्टेप यही लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म है x इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग इसको पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 sin 3x + sin x डिवाइडेड बाई 2x। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9 cos 3x + cos x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम लोगों को लिमिट x टेंस टू 0 पुट करना पड़ेगा, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा -9 + 1 / 2, यानी -8/2, यानी -4। तो यानी ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होनी पड़ेगी, यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी इजीली आ गई -4। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये अच्छे से करके जाना है एग्जामिनेशन में, तो आपका जो एक क्वेश्चन जो आता है कंटिन्यूटी के ऊपर आपका कभी नहीं छूटेगा, और ये फ्री के मार्क्स हैं जिनको आपको लेने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं मैं कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।